Agnideu. क्या बात है अग्निदेव, तुम युद्ध से जीत कर वापिस आए हो। आप भी कमाल करते हैं देवराज, क्या युद्ध से जीत कर मैं इस तरह आऊंगा। तो फिर क्या हुआ। मुझे तो गोरखनाथ ने फूंक से उड़ाकर ही पृथ्वी से वापिस स्वर्ग लोक पहुंचा दिया। मेरी मानिए देवराज, अगर गोरखनाथ इंद्रलोक चाहता है तो उसे दे दीजिए, वरना वह पता नहीं हमारा क्या हशर करेगा। अग्निदेव, हमने कितनी बार आपको कहा है कि कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। आप देवराज इंद्र की शक्तियों से शायद अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। अब तो हम स्वयं युद्ध के लिए जाएंगे। पता नहीं अब क्या होगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। अरे देख गोरखनाथ, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। देवराज इंद्र, अगर हिम्मत है तो अब युद्ध करो। आज फैसला हो जाएगा कि ताकतवर कौन है। देवराज, भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और मुझे अपनी तपस्या पूरी करने दो, वरना यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक वे गलत का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो गोरखनाथ। हम देवराज इंद्र हैं। नाथ पंथ में तो क्या इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा योद्धा नहीं हुआ है जो हमारा मुकाबला कर सके। तुम्हारी वाणी से अहंकार की बू आ रही है देवराज इंद्र, और योद्धा तुमसे पूछकर पैदा नहीं होते। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना इतिहास में आज तुम्हारे नाम का एक और काला अध्याय जुड़ जाएगा। हम साधु योगियों का काम युद्ध करना नहीं, बल्कि समाज में अमन शांति को बढ़ावा देना होता है। गोरखनाथ, तुम तो बड़ी जल्दी घबरा गए जो अमन शांति की बातें करने लगे। तुम तो कायर निकले गोरखनाथ, कायर। अपनी वाणी पर संयम रखें देवराज इंद्र, वरना ये स्वर्ग लोक देवराज के नाम से वंचित हो जाएगा। तो ये ले गोरखनाथ, संभाल इस बाण को।
माँ हूँ, धरती माँ, तो इस प्रकार गुरु गोरखनाथ और देवराज इंद्र के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। पूरा ब्रह्मांड इनके बाणों की गुंजन से कांपने लगा। देवराज इंद्र की सारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। देवता उनकी हार निश्चित समझ भगवान शिव के पास जाते हैं, लेकिन यह तो भगवान शिव की ही बनाई लीला थी। वो गोरखनाथ के द्वारा देवराज इंद्र का अहंकार तुड़वाना चाहते थे, लेकिन देवता इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, आंखें खोलो भोलेनाथ, आंखें खोलो। क्या हुआ अग्निदेव, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हे भोलेनाथ, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, आपसे क्या छिपा है भोलेनाथ? पृथ्वी पर देवराज इंद्र और योगी गोरखनाथ के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, और युद्ध में देवराज इंद्र की सारी शक्तियां समाप्त होती जा रही हैं। आप ही कुछ कीजिए भोलेनाथ, वरना स्वर्ग लोक पर योगी गोरखनाथ का अधिकार हो जाएगा। तुम निश्चिंत रहो अग्निदेव, गोरखनाथ स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे, उनके लिए तो स्वर्ग का ऐश्वर्य व्यर्थ है, वे तो अपना जीवन जगत कल्याण के लिए बिताएंगे। तुम निश्चिंत होकर युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करो। योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी, बोलिए कैसा खिल गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी, बोलिए कैसा खिल गया। लगे जंतर मंतर सिद्धि के अंगार उठे, मर्यादा टूटी ज्ञान की, क्रोध नाद फूंकार उठे। सील सिलाए टूटी अब तो तूफा से तूफा मिल गया, सील सिलाए टूटी अब तो तूफा से तूफा मिल गया, तूफा से तूफा मिल गया, तूफा से तूफा मिल गया। गोरख योगी के तपोबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी, बोलिए कैसा खिल गया। गोरख योगी के तपोबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी, बोलिए कैसा खिल गया। शक्ति भीड़ गई है जोहरे मैदान में, कौन किसका पक्ष धारे शान के इम्तहान में। काप उठे नौ उखड़ तो दसों दिशाएं हिल गई, काप उठे नौ उखड़ तो दसों दिशाएं हिल गई, दसों दिशाएं हिल गई, दसों दिशाएं हिल गई। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी, गुलिये कैसा खिल गया। गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया, इंद्र को हुई गलत फहमी, गुलिये कैसा खिल गया। We'll be right back.
से संघार जन्मा कैसा है ये सिलसिला सत्कार से तिरस्कार निकले पानी से जो बुलबुला वार पे हुए वार ऐसे धरती अंबर हिल गया वार पे हुए वार ऐसे धरती अंबर हिल गया धरती अंबर हिल गया धरती अंबर हिल गया गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया इंदर को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया इंदर को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया तीस करोड़ देवी देवता युद्ध देखने आ गए बोले शंकर कर इशारा इंदर को समझा गए पाकर इशारा शिव जी का इंदर सुध में आ गया पाकर इशारा शिव जी का इंदर सुध में आ गया इंदर सुध में आ गया इंदर सुध में आ गया गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया इंदर को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया गोरख योगी के तपबल से देव सिंहासन हिल गया इंदर को हुई गलत फहमी गुलिये कैसा खिल गया गुलिये कैसा खिल गया गुलिये कैसा खिल गया गुलिये कैसा खिल गया राजेंद्र और कोई शक्ति शेष बची हो तो उसका भी प्रयोग कर लें। नहीं नहीं तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता देव राजेंद्र नहीं 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 है गुरु गोरखनाथ रहम करो रहम करो गोरखनाथ जी मेरे प्राण मत लो मैं तुम्हें स्वर्ग लोक देने को तैयार हूँ वहाँ सब कुछ आपका होगा सभी देवी देवता आपके दास होंगे नाथ शिरोमणि तुम कौन होते हो मुझे स्वर्ग लोक देने वाले वो तो तुम्हारे हारने के बाद स्वयं ही मेरा हो गया था अब तो तुम अपने प्राणों की सोचो देवराज इंद्र मैं चाहता तो तुम्हें एक मंत्र में भस्म कर सकता था लेकिन नहीं मैंने तुम्हारे को तुम्हारे तरह के युद्ध में ही हराया ताकि तुम जैसे अहंकारियों को पता लग जाए कि हम योगी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना भी जानते हैं क्षमा करें गुरु गोरखनाथ जी आप तो बड़े दयालु हैं मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हो गई थी मैंने आपको पहचानने में गलती की अज्ञानतावश नहीं बल्कि अहंकार वश कहो देवराज तुम ये भूल गए थे कि तुमसे ऊपर भी कोई हो सकता है और एक बात और मैं ये तपस्या तुम्हारे स्वर्ग लोक को पाने के लिए नहीं कर रहा ये तो मैं बिना तप के ही तुमसे जीत सकता था देवराज इसलिए तुम जाओ हमने तुम्हें माफ किया और तुम्हारा स्वर्ग लोक भी तुम्हें वापिस करते हैं लेकिन आज के बाद कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होने देना देवराज हे गोरखनाथ जी आपने मेरा अहंकार चूर कर मेरी आंखें खोल दी हे गुरु गोरखनाथ जी जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब तक आपके नाम की जय जयकार होती रहेगी जय गुरु गोरखनाथ ठीक है देवराज अब तुम स्वर्ग लोक वापिस जाओ और मुझे अपनी तपस्या पूर्ण करने दो जो आज्ञा गोरखनाथ जी Thank you.
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हे गोरखनाथ आंखें खोलो, समाधि त्यागो गोरखनाथ। हे भोलेनाथ, अपने अंश गोरखनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सदा जय हो गोरखनाथ, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही तुमने देवराज इंद्र का अहंकार तोड़कर बहुत अच्छा किया, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है गोरखनाथ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? आज तुम मुझसे जो मांगोगे वही मिलेगा। हे भोलेनाथ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल इतना वरदान दें कि जो विद्याएं मैंने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से प्राप्त की हैं वो परिपूर्ण हो जाएं। मुझे सर्वगुण संपन्न होने का वरदान दें भोलेनाथ, और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की मदद में लगाऊं। भोलेनाथ, जगत कल्याण का जो मेरा दायित्व है मैं उसे पूरा कर सकूं। ठीक है गोरखनाथ, तुमने जो वर मांगा है हमने तुम्हें वो वर प्रदान किया, तुम सर्वगुण संपन्न हो। आज से तुम्हारे नाम के साथ ये दुनिया शिव का संबोधन करेगी, आज से तुम शिव गोरख कहलाओगे, नौ नाथों में तुम्हारी ही सबसे ज्यादा पूजा होगी। कलयुग में जो भगत तुम्हारे द्वारे मनोकामना लेकर आएगा वो अवश्य पूरी होगी, और आगे चलकर तुम्हारी दी हुई गूगल से जाहर वीर गोगा पीर का जन्म होगा जो तुम्हारे नाम को अमर कर देगा। यह बालक सर्वशक्तिमान व भक्तों के संकट पल भर में दूर करने वाला होगा, और अब तुम जन जन तक अलख निरंजन का प्रकाश फैलाओ और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है गोरखनाथ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। हे मेरे शिष्यों, मैं आपका आभारी हूँ जो इतने दिनों से आप मेरी इतनी भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं और हर विपदा में मेरे साथ रहे। ये तो हमारा कर्तव्य था गुरुदेव। हे गुरु गोरखनाथ, अब आगे कहाँ चलना है? मेरे विचार से हमें जगन्नाथ धाम चलना चाहिए गुरुदेव। नहीं सुरतीनाथ जी, हमें जगन्नाथ धाम नहीं बल्कि ददरेवा नगरी चलना चाहिए। ददरेवा नगरी, वहाँ क्यों गुरुदेव? शिष्य उग्रनाथ, ददरेवा नगरी के राजा जेवर सिंह की रानी बाछल पिछले 12 वर्षों से हमारी भक्ति में लीन है। उन्होंने हमारी इतनी कठोर तपस्या की है कि हमें स्वयं ददरेवा नगरी पहुंचकर उनके कष्टों का निवारण करना होगा। लेकिन गुरुवर, ये ददरेवा नगरी तो बागड़ प्रांत में है, और सुना है वहाँ तो केवल रेत ही रेत के टीले हैं, न पीने को पानी न खाने को भोजन। मेरे ख्याल से तो गुरुवर, हम वहाँ नहीं जाएं तो ही बेहतर होगा। चटपट नाथ जी, आपको हमेशा अच्छे भोजन की ही चिंता क्यों रहती है? आप अपने तनिक से कष्ट के लिए ददरेवा नगरी न जाने की बात कर रहे हो? क्या हम रानी बाछल की इतनी कठोर भक्ति को भूल जाएं? नहीं चटपट नाथ जी, इस संसार में जब भी किसी प्राणी ने हमारी भक्ति की है हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं पहुंचकर उनके कष्टों का निवारण किया है, अतः आप सभी योगीजन ददरेवा नगरी प्रस्थान करें, ये हमारा आदेश है।
चले काफिला योगी जनों का गोरख के आदेश से, जान किसके बाद जगेंगे सिद्धों के परवेश से, जान किसके भाग जगेंगे सिद्धों के परवेश से, गोरख के आदेश से सिद्धों के प्रवेश से। तपोभूमि से चलकर कहां पधारेंगे, गोड़ बंगाले तपोभूमि से चलकर कहां पधारेंगे, कौन जानता इनके मन की किसकी बिगड़ सुधारेंगे, इनकी सुरती अब जल गई है ना जाने किस देश से, इनकी सुरती अब जल गई है ना जाने किस देश से, जाने किसके बाद जगेंगे सिद्धों के परवेश से, जाने किसके बाद जगेंगे सिद्धों के परवेश से, गोरख के आदेश से सिद्धों के प्रवेश से। आगे आगे चले गुरुजी पीछे शिष्य अलबेले हैं, आगे आगे चले गुरुजी पीछे शिष्य अलबेले हैं, गोरखनाथ जमात में सिद्ध चौदह सो चेले हैं, नजर नहीं हटती देखो इनके पावन भेष से, नजर नहीं हटती देखो इनके पावन भेष से, जान किसके भाग जगेंगे सिद्धों के परवेश से, जान किसके भाग जगेंगे सिद्धों के परवेश से, गोरख के आदेश से सिद्धों के प्रवेश से। अल्फी झोली चिमटा इन सिद्धों का बाना है, भगवा अल्फी झोली चिमटा इन सिद्धों का बाना है, शीश जटा और कानों में कुंडल करते धुनी रमाना है, कल्याण लिखा है इनके हाथों पर जा और नरेश से, कल्याण लिखा है इनके हाथों पर जा और नरेश से, जान किसके भाग जगेंगे सिद्धों के परवेश से, जान किसके भाग जगेंगे सिद्धों के परवेश से, गोरख के आदेश से सिद्धों के प्रवेश से। आई है नगरी अब ददरेड़ा, मंजिल मंजिल चलकर आई है नगरी अब ददरेड़ा, राजा के नौलखे बाग में आए थमा साधु बेड़ा, रानी बछल का भाग्य जगे आज यहाँ दरवेश से, रानी बछल का भाग्य जगे आज
आज यहाँ दरवेश से जान किसके भाग जगेंगे सिद्धों के परवेश से जान किसके भाग जगेंगे सिद्धों के परवेश से सिद्धों के प्रवेश से गोरख के आदेश से चले काफिला योगी जनों का गोरख के आदेश से चले काफिला योगी जनों का गोरख के आदेश से जान किसके भाग जगेंगे सिद्धों के परवेश से जान किसके भाग जगेंगे सिद्धों के परवेश से सिद्धों के प्रवेश से गोरख के आदेश से सिद्धों के प्रवेश से सिद्धों के प्रणाम गुरुदेव। आओ शिष्य ओगड़नाथ, क्या तुम ददरेवा की रानी बाछल को हमारे आने की सूचना दे आए? जी हाँ गुरुदेव, मैंने रानी बाछल को आपके आने का समाचार दे दिया है। लेकिन गुरुवर, जब मैं महलों में गया तो प्रारंभ में मुझे रानी बाछल की छोटी बहन रानी काछल मिली। गुरुदेव, दोनों की सूरत एक दूसरे से इतनी मिलती है कि उनमें अंतर करना ही कठिन है। वे दोनों ही संतानहीन हैं गुरुदेव। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि भगवान ने काछल व बाछल की सूरत एक जैसी ही क्यों बनाई। शिष्य ओगड़नाथ, इसमें आश्चर्य कैसा? क्या दो इंसानों की सूरत एक समान नहीं हो सकती? अगर भगवान ने इनकी सूरत एक समान बनाई है तो इसके पीछे भी कोई वजह है जो तुम नहीं समझोगे। गुरुदेव, रानी बाछल कल सुबह वरदान लेने आएगी। हमें मालूम है ओगड़नाथ कि कल सुबह कौन वरदान लेने आएगी। प्रणाम महाराज। हे गुरु गोरखनाथ, प्रणाम। हे देवी, हमें अपना परिचय दें, हमने आपको पहचाना नहीं। हे महाराज, मैं एक दुखिया क्रमहीन अपागन स्त्री हूँ और इस बागड़ प्रांत की रानी बाछल हूँ। अपने आप को इतना दुखी बता रही हो? इतना दुखी तुम हो नहीं देवी। जी महाराज। जी हाँ, हम आपकी ददरेवा नगरी से ही होकर आए हैं। आपकी प्रजा तो बहुत सुखी है, हमें तो वहाँ कोई कष्ट दिखाई नहीं दिया। प्रजा तो सुखी है महाराज, लेकिन उसके शासक तो दुखी हैं। जिस नगरी का कोई उत्तराधिकारी ना हो, भला वहाँ की प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? तुम्हारा कष्ट क्या है देवी, हमें स्पष्ट बताओ। हे गुरु गोरखनाथ, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूँ महाराज। और एक औरत के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई दुख नहीं होता महाराज, कोई दुख नहीं होता। मैं पिछले 12 वर्षों से आपकी भक्ति कर रही हूँ महाराज, कृपया मेरे कष्टों का निवारण करें, मेरे कष्टों का निवारण करें और मुझे एक पुत्र का वरदान दे महाराज, मुझे एक पुत्र का वरदान दे। घबराओ मत देवी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें एक नहीं दो पुत्रों का वरदान देते हैं। क्या? हाँ देवी,
हम तुम्हें ये दो फल देते हैं, इनके सेवन से तुम्हें दो पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनका नाम तुम अर्जन व सर्जन रखना। ये दोनों बालक जग में तुम्हारा बड़ा नाम करेंगे। आपकी सदा जय हो गुरु गोरखनाथ, जो मुझ बांझ को दो पुत्रों का वरदान दिया। अच्छा गुरुदेव, अब मैं चलती हूँ, आप ये भोजन ग्रहण कर लेना। प्रणाम गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ त्रिकालदर्शी, ये भी नहीं पहचान सका कि मैं काचल हूँ या बाछल। तपस्या तो की बाछल ने और दो पुत्रों का वरदान मुझे दिया। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। हे मेरे शिष्यों, क्या आप सबने भोजन ग्रहण कर लिया? जी गुरुदेव, हमने भोजन ग्रहण कर लिया। तो ठीक है, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। महाराज, महाराज रुकिए, महाराज आप मुझे इस तरह बिना वरदान दिए नहीं जा सकते। महाराज, मैंने 12 वर्षों तक आपकी भक्ति की है। महाराज, अगर वरदान नहीं देना था तो यहाँ क्यों आए थे, यहाँ क्यों आए थे, यहाँ क्यों आए थे महाराज, यहाँ क्यों आए थे? हम तुम्हें यहाँ वरदान देने आए थे देवी बाछल, और वो हम तुम्हें दे चुके। क्या दो पुत्रों के वरदान से भी तुम्हारे मन को शांति नहीं हुई? जो पुण्य वस्त्र बदलकर हमारे पास आ गई, तुम ये मत बोलो देवी, हम योगियों का क्रोध बहुत भयंकर होता है। हे गुरु गोरखनाथ, मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने वरदान नहीं लिया। मैंने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला, और अगर मैं दो पुत्रों का वरदान ले जाती तो वापिस लौट के आपके पास कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। एक बांझ औरत को दो पुत्रों का वरदान मिल जाए तो उसकी फिर कोई और पुत्र की इच्छा नहीं होती। महाराज, आप मेरा यकीन करें। महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, रानी बाछल शायद सत्य कह रही है, अगर बांझ सत्री को दो पुत्रों का वरदान मिल जाए तो उसकी और पुत्र की इच्छा शेष नहीं रहती। गुरुदेव, जी हाँ महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने कोई वरदान नहीं लिया। मैं जानता हूँ देवी बाछल कि तुमने कोई वरदान नहीं लिया, और ये भी सत्य है कि हमने दो पुत्रों का वरदान दिया है। हे गुरुदेव, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। हमारे सामने देवी बाछल दो पुत्रों का वरदान लेकर गई है, और आप कह रहे हैं कि इसने कोई वरदान नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? ऐसा हो सकता है शिष्य उग्रनाथ, जरा याद करो, तुमने ददरेवा के महलों से आकर कहा था कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि भगवान ने काछल व बाछल की सूरत एक समान क्यों बनाई। तब हमने तुमको कहा था कि इसके पीछे भी कोई वजह है, और ये वजह ये है कि बाछल के साथ धोखा हुआ है। दो पुत्रों का वरदान ये नहीं अपितु इनकी छोटी बहन काछल ले गई। क्या? हाँ देवी बाछल, तुम्हारी छोटी बहन काछल ने तुम्हारे हम सकल होने का नाजायज फायदा उठाया है, और तुम्हारा नाम लेकर वो हमसे दो पुत्रों का वरदान ले गई। वो शायद सोच रही होगी कि हम उन्हें पहचान नहीं सके, लेकिन ये सब बातें तो हमें पहले से ही मालूम थी।
महाराज, ये सब मालूम होते हुए भी आपने उन्हें वरदान दे दिया। हाँ देवी, रानी काछल को दो पुत्रों का वरदान देना आवश्यक था, क्योंकि यही विधि का विधान है कि उसकी कोख से दो पुत्रों का जन्म होना लिखा है। क्या मेरी कोख से कोई पुत्र का जन्म नहीं लिखा महाराज? तुम्हारी कोख से तो बहुत ही चमत्कारी बालक का जन्म लिखा है देवी बाछल। स्वयं पद्मनाग अवतारी चाहार वीर गोगापीर तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। क्या? हाँ देवी, ये सत्य है, लेकिन इसके लिए मुझे पाताल लोक जाना होगा। वहां से बहुत ही शक्तिशाली वासक नाग से वो सिद्ध गुगल लानी होगी, जिसमें स्वयं पद्म नाग वास करते हैं। उसके सेवन से ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अतः देवी बाछल, जब तक मैं पाताल लोक से वो सिद्ध गुगल न ले आऊं, तब तक आपको मेरा यहीं इंतजार करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। भिक्षा दे देरी नागनिया मांगे जोगी, भिक्षा दे देरी नागनिया मांगे जोगी दर पे आए जोगी, भिक्षा दे देरी नागनिया मांगे जोगी, भिक्षा दे देरी नागनिया मांगे जोगी। लोक से चल रही नागन नाग लोक हम आए, नाथ मच्छंदर गुरु हमारे गोरख हम कहलाए। धरा लोक से चल रही नागन नाग लोक हम आए, नाथ मच्छंदर गुरु हमारे गोरख हम कहलाए। जब तक भोजन तेरा ना खाए योगी, जब तक भोजन तेरा ना खाए योगी, ना खाए योगी दर पे आए योगी, भिक्षा दे देरी नागनिया मांगे जोगी, भिक्षा दे देरी नागनिया मांगे जोगी। ना चाहिए तेरी सोना चांदी ना चाहिए धन माया, एक दुखिया के कारण तेरे दर पे अलख जगाया। ना चाहिए तेरी सोना चांदी ना चाहिए धन माया, एक दुखिया के कारण तेरे दर पे अलख जगाया। हम तो कष्टों के काटनिया कहाए योगी, हम तो कष्टों के कटरिया कहाए योगी दर पे आए योगी, भिक्षा दे देरी नागनिया मांगे जोगी, भिक्षा दे देरी नागनिया मांगे जोगी।
तो होगा बड़ा उपकार। पद्मनाग धरती पे जन्मे जगत कहे अवतार, पुत्र रतन की भिक्षा दे दो होगा बड़ा उपकार। पद्मनाग धरती पे जन्मे जगत कहे अवतार, होगा बेड़े पार करेणिया बतलाए योगी, होगा बेड़े पार करेणिया बतलाए योगी, बतलाए योगी लेके जाए योगी। भिक्षा के तेरी ना देनिया मांगे जोगी, भिक्षा के तेरी ना देनिया मांगे जोगी। हे योगीराज, हम आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझे कि आप भिक्षा में क्या चाहते हैं। हे नागराज, मैं आपसे यहाँ हीरे मोती नहीं लेने आया, बल्कि मैं तो पुत्र रत्न की भिक्षा लेने आया हूँ। हे नाग जी, हम आपको पुत्र रत्न की भिक्षा कैसे दे सकते हैं, और ये पुत्र आप किसके लिए मांग रहे हैं? माता, मैं ये पुत्र तद्रेवा नगरी के राजा जेवर सिंह की रानी बाछल के लिए मांग रहा हूँ, जो पृथ्वी पर मेरा इंतजार कर रही है। माता, आप बस मुझे वो सिद्ध गूगल देने का कष्ट करें जिसमें स्वयं पद्मनाग वास करते हैं। नाथ शिरोमणि, हम आपका सम्मान करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमसे वो वस्तु ही मांग ले जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्रिय है। आपको शायद मालूम नहीं योगीराज कि ये सिद्ध गूगल समुंदर मंथन से प्राप्त हुई थी, और 33 करोड़ देवी देवताओं ने इस विश्वास पर ही हमें इसे सौंपा था कि हम इसकी रक्षा कर सकते हैं, और यही इसका उपयुक्त स्थान। माता, आप मेरी समझने का प्रयास करें, मैं इस सिद्ध गूगल का उपयोग किसी गलत कार्य हेतु नहीं कर रहा। मैं ये गूगल ले जाकर रानी बाछल को दूंगा, जिससे जहार वीर गोगा जी का जन्म होगा। योगीराज, हम आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हम किसी भी कीमत पर आपको ये गूगल नहीं सौंपेंगे, इसके लिए चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए। अरे नागराज, आप तो क्रोधित हो गए, क्या अपने द्वारा इस साधु के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है? चलिए छोड़िए गूगल को, क्या आप दोनों हमें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे? सुना है आप नृत्य बहुत अच्छा करते हैं। नृत्य तो हम अवश्य दिखाएंगे योगीराज, लेकिन बीन का लहरा आपको देना होगा। क्यों नहीं माता, आप लोग शुरू कीजिए, मैं बीन का लहरा देता हूँ।
अरे ये क्या, योगीराज कहाँ चले गए? स्वामी, लगता है वो गूगल लेकर चले गए। क्या? हाँ महाराज, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम अभी उनको रोकते हैं। नहीं प्रिय, तुम यही रहो, इस कार्य के लिए तो मैं ही काफी हूँ। मैं अभी वो सिद्ध गूगल गोरखनाथ से वापिस लेकर आता हूँ। अरे वासक नाग तो तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। हे माता जांडी, कृपया मेरी मदद करें। मैं गोरखनाथ आपसे सहायता मांग रहा हूं। माता, कृपया मेरी मदद करें। हे नाथ शिरोमणि, जांडी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम? हे योगीराज, आप तो स्वयं भगवान शिव अवतारी हैं, फिर आप जैसे सर्वशक्तिमान योगी को मेरी सहायता की आवश्यकता कैसे हुई? माता, मैं पाताल लोक से बहुत ही शक्तिशाली वासक नाग से ये गूगल लेकर आया हूँ, और अब वासक नाग इसे लेने के लिए बहुत तेजी से मेरे पीछे आ रहा है, और वो इसे वापिस ले जाएगा। माता, तो क्या योगी राज वाशकनाग आपसे ज्यादा ताकतवर है? आप उसे युद्ध में हराकर भी ये गूगल ले जा सकते हैं? जी हाँ माता, मैं वाशकनाग को युद्ध में हराकर भी ये सिद्ध गूगल ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि गूगल पर वास्तविक अधिकार तो वाशकनाग का ही है, और किसी वस्तु को ताकत के द्वारा प्राप्त करना राक्षसी प्रवृत्ति में आता है, ये हम जैसे योगियों को शोभा नहीं देता। माता, लेकिन योगी राज, इस तरह छल से गूगल लेकर आना भी तो आप जैसे योगियों को शोभा नहीं देता, इससे आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। नहीं माता, मैं तो विधाता के लेख को बिना किसी को हानि पहुंचाए पूरा करना चाहता हूँ, इसमें प्रतिष्ठा धूमिल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस सिद्ध गूगल के सेवन से माता बाछल के गर्भ से बहुत ही शक्तिशाली बालक जाहर वीर गोगा पीर का जन्म होना लिखा है। अतः माता, इस शुभ कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे योगीराज, इस शुभ कार्य में मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आप आदेश करें, मुझे क्या करना है? माता, आप इस गूगल को कुछ समय के लिए अपने अंदर छिपा लें, ताकि नागराज को ये न पता चले कि गूगल कहाँ है। वो अभी मेरा पीछा करते हुए यहाँ आने वाले हैं, अगर उन्हें ये गूगल मिल गई तो वो इसे हर हाल में ले जाएंगे। लेकिन इस बात का भी स्मरण रहे माता, कि नागराज को सुगंध से ही गूगल के होने का पता चल जाएगा। आप गूगल को मेरे अंदर रख दे गोरखनाथ जी। अब मैं इसकी सुगंध भी बाहर नहीं आने दूंगी। मैं भली प्रकार से जानती हूँ कि जगत कल्याण हेतु गोगा जी का जन्म होना कितना महत्वपूर्ण है। योगीराज, ये आपने ठीक नहीं किया। आप हमें नृत्य में वशीभूत कर पाताल लोक से वो सिद्ध गूगल ले आए हैं। मुझे वो गूगल वापिस कर दे योगीराज। नहीं नागराज, मेरे पास कोई गूगल नहीं है, आप व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। आपके पास गूगल है योगीराज, गूगल के होते हुए भी आप असत्य बोल रहे हैं, और आपको अच्छी तरह मालूम है योगीराज कि असत्य बोलना कितना बड़ा पाप होता है। नागराज, हमें शिक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी भली भांति मालूम है कि हम नाथ पंथ के योगी कभी असत्य वचन नहीं बोलते, और ये बात भी मैं सत्य कह रहा हूँ,
कि इस समय मेरे पास गूगल नहीं है। आप चाहें तो मेरे शरीर व आसपास उसे ढूंढ सकते हैं। आपको तो कई कोसों दूर से ही उसकी सुगंध से उसके होने का पता चल जाता है। अगर मेरे पास वो गूगल हो तो आप उसे ले जा सकते हैं नागराज। मुझे लगता है योगीराज, आपने वो सिद्ध गूगल अपने योग माया से कहीं छिपा दी है, जिसकी सुगंध भी मुझे नहीं आ रही। आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं नाथ शिरोमणि। नहीं नागराज, मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ, और न ही मैंने गूगल को किसी योग माया से छिपा रखा है। अगर मुझे शक्तियों का दुरुपयोग करना होता तो मैं आपसे गूगल की भिक्षा नहीं मांगता, बल्कि आपके साथ युद्ध करके भी मैं उस गूगल को ले जा सकता था। नागराज, ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है। तो ठीक है योगीराज, मैं तो वापिस जा रहा हूँ। मुझे लगता है इस कार्य में किसी ने आपकी सहायता की है, परंतु वो जो कोई भी है, इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये आप इतिहास पर ही छोड़ दें तो बेहतर होगा नागराज। हे माता जांडी, नागराज चले गए हैं, अब वो वापिस नहीं आएंगे। मैं जानती हूँ योगीवर कि अब नागराज वापस नहीं आएंगे। हे माता, आपने मेरी शुभ कार्य में सहायता की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब कृपया वो गूगल मुझे वापिस कर दें, ताकि मैं इस कार्य को पूर्ण कर सकूँ। नहीं योगीवर, ये गूगल मैं आपको वापस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस गूगल के सेवन से रानी बाछल को बहुत ही चमत्कारी पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका तेज देवताओं से भी बढ़कर होगा। हे नाथ शिरोमणि, मैंने भी गूगल को अपने अंदर छिपाकर गोगा के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इस कार्य के लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे भी समाज में गोगा जी के समान ही उचित सम्मान मिले। हे माता जांडी, वास्तव में आपने ये गूगल अपने अंदर छिपाकर गोगा पीर के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए हम आपको ये वचन देते हैं कि आने वाले समय में आपकी भी गोगा पीर से एक दिन पहले पूजा होगी। गोगा पीर की पूजा तभी सार्थक मानी जाएगी जब भक्त पहले आपको जोत जगाएंगे। आपके इस उपकार के लिए आपको समस्त जगत याद रखेगा माता। हे गुरु गोरखनाथ जी, आपने ये वचन देकर सचमुच में मेरा स्थान बहुत ऊंचा कर दिया। ये लो योगीवर। अब तो मुझे भी गोगा पीर के जन्म का इंतजार रहेगा। प्रणाम। प्रणाम माता। ये लो रानी बाछल, मैं तुम्हें ये सिद्ध गूगल देता हूँ। इसमें स्वयं पद्म नाग वास करते हैं। इसके सेवन से तुम्हें बहुत ही चमत्कारी पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बालक को समस्त संसार जहार वीर गोगा पीर के नाम से जानेगा। यह अपने चमत्कारों से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और समस्त संसार इन्हें शीश झुकाएगा। इस बालक का तेज देवताओं से भी बढ़कर होगा। वह कलयुग में यह अपने भक्तों को तुरंत फल देने वाला होगा। संसार के हर धर्म व जाति के लोग इसे अपना भगवान मानकर इसकी पूजा करेंगे।
हे गुरु गोरखनाथ, सचमुच मैं धन्य हुई जो मुझे इतने चमत्कारी पुत्र की प्राप्ति होगी। आपकी सदा जय हो गुरुदेव, जो मेरे कष्टों का निवारण कर मुझे नया जीवन दिया। रानी बाचल, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करना तो मेरा परम धर्म है। तुमने हमारी सच्ची भक्ति की तो तुम्हें देवता तुल्य पुत्र की प्राप्ति हुई। तुम्हारी बहन ने छल व कपट द्वारा हमारे से वरदान प्राप्त किया तो उनके पुत्र भी छली कपटी व धोखेबाज होंगे और उनका अंत भी गोगापीर द्वारा ही होना लिखा है। रानी बाछल, अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हे गुरु गोरखनाथ, ददरेवा नगरी के महल आपकी राह देख रहे हैं। आपके ये पावन चरण महलों में पड़ जाते व कुछ दिन महलों में विश्राम कर हमें सेवा का अवसर देते गुरुदेव, तो हमारा जीवन सफल हो जाता। नहीं माता, रमता योगी और बहता पानी कभी एक स्थान पर नहीं रुकते, क्योंकि उनके एक स्थान पर रुकने से उनमें गंदलापन आ जाता है। हमारा काम तो चलते रहना, वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करना है। हमारा जन्म महलों में रहने के लिए नहीं हुआ, अपितु समस्त जगत कल्याण के लिए हुआ है। जैसी आपकी इच्छा गुरुवर। हमारी कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी देवी बाचल। प्रणाम गुरुवर। सदा सुखी रहो।